अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ तो आज हम करते हैं टू स्लीप की पोइम है जिसको लिखा हुआ है किसने लिखा हुआ है रिटर्न बाय वेलीम वर्स विखा हुआ है ठीक है एक वेलीम वर्स वो है एक रोमेंटिक पोइट है ठीक है तो इस पोईम में क्या होता है इन दिस पोएम द पोइट इज अफेक्टेड बाई इंसोमेनिया इंसोमनिया क्या होता है इंसोमिया जिनको नींद नहीं आते हैं ठीक है ठीके? जिनको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आते हैं ठीक है ठीके? तो इस पोएम में पोएट पोइट को इंसोमिनिया होता है ठीक है अब वो इंसोमिनिया जो होता है इसमें उनको नींद नहीं आते दो दिन से नींद बिल्कुल भी नहीं आते तो थर्ड डे वो सोने के लिए बहुत कुछ करते हैं उस सोने के लिए वो क्या करते हैं वो एक इमेजिनेशन करते हैं ताकि वो इमेजिनेशन से उसको नींद आ जाए ठीक है तो उसके इमेजिनेशन जो है उसके इमेजिनेशन जो इमेजिनेशन है वो है टू स्लीप का पोएम है ठीक है और ये पोएम जो है सोनेट है सोनेट क्या होता है सोनेट हमेशा फोर्टीन लाइंस का होता है ठीक है पोएम इज विच कंसिस्ट फोटीन लाइन उस चीज़ को क्या बोलते हैं सोनेट बोलते हैं ठीक है अब इस पोएम में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पोइट का इमेजिनेशंस होता है इस पोएम में फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा जो है दोनों पोइट का इमेजिनेशंस होते हैं बट इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है दस पोइट उस पो, वो पोएम शिफ्ट हो के के जो माइंड में जो भी है उससे रियलिटी में बदल जाते हैं जो नेक्स्ट जो पोएम दो है वो रियलिटी में बताते हैं वो रियलिटी होता है ठीक है नाउ हम पोएम पढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले जो पोएम है टू स्लीप अ अफॉक ऑफ शीप दैट लेजरली पास बाय वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन एंड बीस मरमरिंग फॉल्स ऑफ रिवर्स विंड एंड सीज स्मूथ फील्स वाइट शीट ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाई ट्रांस एंड स्टिल आई लाई स्लीपलेस एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलेडीज मस्ट हीयर first uttered from my orchard trees, and the first cook, cuckoo's melancholy cry: "even this last night the two nights more i lay, and could not win thee, thee, sleep by any stealth. without thee, what is all the morning wealth? come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health! now see! अ फ्लॉक ऑफ शिप लेजरली पास बाय ना ये जो है ये पोइम का पोइट का यानी कि जो पोइट है यहाँ यहाँ पर वेलीम वोसो जो वो खुद एक स्पीकर है वो उसका क्या है इमेजिनेशन है वो उसके इमेजिनेशन में फ्लॉक ऑफ शिप फ्लॉक ऑफ शिप क्या होता है एक ग्रुप ऑफ शिप ठीक है जो शीप जो ग्रुप में होता है उसको फ्लॉक ऑफ शिप लेजरली पास बाय लेजरली मीन्स विदाउट हैजिटेट एंड रिलैक्सड वे बिल्कुल रिलैक्सली रिलैक्स से वहाँ से पास हो रहा था ठीक है ये इमेजिनेशन है उसका वन आफ्टर वन एक के बाद एक अ साउंड ऑफ रेन जब वो लोग जा रहा था तो उसकी पैर की आवाज़ जो है कैसा केस है ऐसा लग रहा था रेन आ रहा था ऐसे तड़प 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 करके ठीक है एंड बीज ठीक है वो लोग जो उसका आवाज़ करते हैं वो बीज की तरह है मरमरिंग एंड द फॉल ऑफ रिवर्स विंड्स एंड सीज मर्मरिंग द फॉल फॉल ऑफ रिवर्स यानी कि मरमरिंग जो फॉल ऑफ रिवर जो फॉल है वो मरमरिंग ऐसा लग रहा था जो रिवर जा रहा था वो मरमर बातें करते जा रहा था ऐसे विंड और सी के साथ ठीक है स्मूथ फील्ड्स फील्ड जो जहाँ पर लोग जा रहा है जहाँ पे फॉक ऑफ शिप जा रहा है वो बिल्कुल स्मूथ फील्ड है वाइट शीट ऑफ वाटर एंड द प्योर स्काई जब वो सब लोग वहाँ पर ऐसे एक के बाद एक जा रहा था तो ऐसा लग रहा था एक वाटर के ऊपर वाइट शीट वाइट शीट बिछा दिया ठीक है क्योंकि साउंड जो है वाटर जैसा है बट सारा शीप ऐसे वाइट है तो वाइट कलर का वाइट शीट ऐसे वाटर के ऊपर लगा हुआ है एंड अ प्योर स्काई जो स्काई है बिल्कुल प्योर है आई हैव थाट ऑल बाई ट्रंस ये सारा कुछ वो सोचते रहे एंड स्टिल आई लाई वो फिर भी ऐसे लेटा हुआ था स्लीपलेस एंड सून द स्मॉल बर्ट मैलडीज़ नाउ वो ऐसे सोचते रहे जो उन्होंने सोने के लिए कोशिश किया था बट यहाँ पर सोने के लिए कोशिश किया था वो फिर भी सो नहीं पाया फिर क्या हुआ था सुबह हो गया छोटा सा स्मॉल बर्ड मैलडीज़ वो ऐसे मैलडीज़ करके यानी कि वो आवाज़ करते हुए मस्ट हीयर फर्स्ट आर्टर फ्रॉम माई ऑर्चिड ट्रीज यानी कि वो उन्होंने सुना कहाँ से सुना ऑर्चिड ट्रीज के सामने उन्होंने सुना था ठीक है उसके सामने एक ऑर्चिड ट्रीज है वहाँ पर सुना था एंड द फर्स्ट कोकर्स मैलन क्लिक क्राई यानी कि फिर वो कुकर्स का फर्स्ट क्राई जो सुबह होते है कुकर्स का आवाज़ देते हैं वो मैलन क्लिक्राई उन्होंने सुनाया ठीक है इवन दिस लास्ट नाइट द टू नाइट्स मोर आई लेवन दस लास्ट नाइट मीन्स जो उन्होंने उससे दो दिन पहले वो सो नहीं पाया वो लेटे रहे बट सो नहीं पाया ये लास्ट नाइट ये थर्ट नाइट है इनको फिर भी नींद नहीं आया एंड कुट नॉट विन थी स्लीप मैंने बहुत कोशिश किया था इमेजिनेशन करके और भी बहुत कुछ करके सोने की कोशिश किया था बट ये स्लीप से यानी कि वो विन नहीं कर पाया बस सो so बिल्कुल नहीं पाया बाय एनी स्टेल बाय एनी स्टिल्स मीन्स यहाँ पे देखो बाय एनी स्टिल्स मीन यहाँ पर एक आ, फ्रेस है बाय एनी सेक्रेटिव मीन्स यानी कि जो भी उन्होंने सेक्रेटिव जो भी कोशिश किया था वो हो नहीं पाया विदाउट थी यहाँ पर थी मीन्स क्या होता है थी मीन्स तो यू होता है ठीक है विदाउट थी यू किसको बोल रहा है विदाउट स्लीप को ये स्लीप को यू बोल रहा है विदाउट स्लीप वाट इज़ ऑल द मॉर्निंग वेल यानी कि सुबह जो स्लीप के बिना हम सुबह बिल्कुल अपना प्रोडक्टिव यानी कि विदाउट स्लीप हम सुबह फ्रेश नहीं लगते ठीक है हमें सुबह कुछ काम करना होता है वो अच्छे से कर नहीं पाते क्योंकि हम रात को सो नहीं पाते तो ठीक है आप ये बोल रहे हैं विदाउट स्लीप वट इज़ ऑल द मॉर्निंग वेल्स अगर स्लीप नहीं या अगर अच्छे से नींद नहीं आ रही तो, तो फिर सुबह का मॉर्निंग का ये वेल्थ तो बिल्कुल भी कुछ है नहीं यानी कि सुबह का कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है कम ब्लैस्ड बेरियर बिटवीन डे एंड डे दे, डियर मदर ऑफ फ्रेश था एंजॉय हेल्थ कम ब्लेस्ड बेरियर मीन्स कम ब्लेस्ड बेरियर जो भी अगर सुबह सुबह हम अच्छे से नींद में साउंड स्लीप्स होके अच्छे से सो के फिर सुबह उठे तो फिर सुबह उठने के बाद क्या आते हैं अपने मदर फ्रेश थॉट्स मींस एक अच्छे अच्छे फ्रेश थॉट्स जैसे मम्मी सुबह उठ के अपना अच्छे से थॉट्स देते हैं फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिलते हैं जॉयस हेल्थ होते हैं ठीक है तो फिर कम ब्लेस्ड बेरियर जो ब्लेस्ड बेरियर होता है जैसे कि ये न, सोना और ना सोना इसके बीच में बेरियर्स है नींद नहीं आया बिटवीन डे बाई डे दिन ब दिन उनको नींद नहीं आ रहा था डियर मादर यानी कि डियर मादर टू फ्रेश थाट्स एंड द जॉयस हेल्थ ये इनको डियर मादर अपने फ्रेश थाट्स और जॉयस हेल्थ को पूछ रहा है कि मदर आके मुझे एक ब्लेस्ड दे दो ताकि मैं डे बाई डे जो मैं सो so नहीं पा रहा था वो कंप्लीट होके और सो सो यानी कि ब्लेस करके सो so पाए और उसके बाद फ्रेश थॉट्स आए और हेल्थ जॉयज आए ठीक है हेल्थ जॉयज मीन्स अच्छे से खुशी मिले ठीक है तो दिस इज़ दोएम ऑफ टू स्लीप्स तो स्लीप्स uh, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर देखो फोर्टीन लाइंस यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है अब फोर्टीन ये फोर्टीन लाइन का क्या होता है फोटीन लाइन का जब भी ये, ये पोएम होता है पोएम होता है उसको सोनेट बोलते हैं सोनेट में हमेशा ये बताते हैं थोड़ा सा आपको सोनेट uh, में कभी भी ऐसे खुशी वाली बात कभी नहीं बताते सोनेट में हमेशा आपको थोड़ा सा uh, दुखी वाली बात ही बोलते हैं सोनेट्स में ठीक है तो ये जो पोइट uh, में इसका स्टेंजा जब हम होते हैं तो फोर्थ लाइन फोर्थ लाइन करके नहीं करते हैं इसमें ए बी ए बी करके होता है दैट uh, मैं आपको नेक्स्ट जब हम पोइम ख़त्म होने के बाद आपको मैं अच्छे से इसका लिटरेटाम में समझा दूँगी ठीक है तो इसमें फर्स्ट स्टैंडा जो यहाँ पर फ्लॉक ऑफ शीप ये यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा यहाँ तक क्या है पोइट्स का इमेजिनेशन है फिर उसके बाद उसके बाद क्या है जब वो सोके उठे थे तब क्या है उठने के बाद उन्होंने स्लीप नहीं हो पाया ये सब क्या है एज अ रियलिटी बता रहा है ठीक है तो This is the poem of To Sleep. I hope you all understand uh, very well. So, uh, if you have any problem, you can ask me anytime. Okay? Thank you so much.